हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हाँ, हिंदुस्तान जीत गया भाई। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। टूटा है पर्थ का घमंड, मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया ने पकड़ गए, मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ऐसे ही ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व्स शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग हीरो, ईगो डेंटिंग है। टाटा बाय बाय के 250-300 के आसपास का बड़ा मार्जिन, मैसिव मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है, और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन्स होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हरा रहे, 300-300 के रन्स के मार्जिन से। इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। पर्थ के अंदर मैच रखने का भाई ऑस्ट्रेलिया का मकसद था कि हम कभी इस ग्राउंड के अंदर हारे नहीं है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बहुत ही बंद कर दी है। और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया में बम्बूजल्ड है। और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजार रहे, डरावने ख्वाब होंगे। ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली। हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पिला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। This is the den of Australia after Gabba. Perth was their den, the strongest den, the strongest fort which India managed to not only destroy but also rattle Australia. It's a moral rattling victory. लोगों को पता नहीं 20-25 साल हो गए, 30-30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए। इंडिया, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टाइम एंड अगेन। और सेना कंट्री में जाके जीते, विराट कोहली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, 7 विक्ट्रीज है उसकी सेना कंट्री में जाके एज अ टेस्ट कैप्टन। सर, इतनी इबरतनाक शिकस्त कभी आपने ऑस्ट्रेलिया की देखी है? वो भी उनके होम ग्राउंड के अंदर, वो भी पर्थ के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में तो जीतता ही नहीं है इंडिया, लास्ट टाइम भी 2 सीरीज जीत के आई है, तो ये रिकॉर्ड शिकस्त होगी। टूटा है पर्थ का घमंड, इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया। ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइन अपने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया है। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच बिहेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने, आपके पकड़ के बजा दिया, आपके स्टीव स्मिथ को, आपके लबुशान को, आपके ख्वाजा को पकड़ के बजा दिया इंडिया ने। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो सलंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस सलंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया पॉड, ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया। पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया, इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट पूरा डोमिनेट किया, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऐसा घुसाया निकल नहीं पाएगा। मतलब पहले दिन डोमिनेट, दूसरे दिन डोमिनेट, तीसरे दिन डोमिनेट, चौथे दिन डोमिनेट, टेस्ट मैच जीत गया। ओ भाई, इससे ज्यादा एक एशियन टीम के लिए क्या ही चीज होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट करके आई है, हमारी बॉलिंग भी डोमिनेट करके आई है। 533 रन का टारगेट मेरे ऑस्ट्रेलियन घंटू से नहीं था होना, इनसे इनके अब्बे ने भी दो बार भी बारी दे लो तो नहीं होगा। मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ गए। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ये जो फॉक्स क्रिकेट वाले हैं, ये घंटे के 2 दिन पहले बुमराह के बॉलिंग एक्शन को वट्टा कह रहे थे कि बुमराह वट्टा मारता है, कल कह रहे हैं बुमराह गोट है टेस्ट क्रिकेट का। और हमें पता है वो गोट है, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे ज्यादा एवरेज किसी बॉलर की नहीं है, 19 की एवरेज है उसकी, ठीक है। कोई कह रहा 4-0 से जीत रहा है, कोई कह रहा 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। आना नेथन लाइन गंजे तेरी गांजे पे मैं थुक फेंक के चंड मारू, तूने ही बोला था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा, 8 घंटे का ये टेस्ट मैच फिर लेगा जा। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पिला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ टाइम बिफोर बुमराह केम बैक एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नितेश कुमार रेड्डी ने मार्च जैसी पुरसकून विकेट अपने ही बल्ले से ले लिया और आखिर में ये भी। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में दूसरे दिन से आउट हो गई थी, बल्कि पहले दिन ही आउट हो गई थी जब 7 विकेट इनकी गिरी है फर्स्ट डे में, दे वर आउट ऑफ द मैच। और जो 2 घंटे मिचेल स्टार्क ने एहसान किया ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां से मैच वॉज ओवर, उसके लैंडस्लाइड विक्ट्री, टाटा बाय बाय। नितेश कुमार रेड्डी ने भी अपना जलवा दिखाया, वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट ली, 3-3 विकेट ऊपर से दोनों दिग्गज बॉलर्स ले गए, 6। हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है, इट्स अ मैसिव
मैसिव विक्ट्री है, कुछ ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व्स शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग ईगो डेंटिंग है। अब यहां से देखें, फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट विल ऑस्ट्रेलिया इज थिंकिंग एट एडिलेड, ये क्या करेंगे, ये है बस और कुछ नहीं है। वो बुमराह ड्राइविंग से कमिंस ऐसा का पान है, कमिंस वैसा का पान है, बुमराह को कुछ पता नहीं है, बुमराह छोले बेचने आया, बुमराह जो है पहले भी मरवा दिया था, बुमराह ने इंग्लैंड में जाके पहला टेस्ट था, फाइट अच्छी हुई, चले हार गए, ये पहला टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, मुश्किल कंडीशन, ना रोहित है ना गिल है, नए बच्चे हैं, तीन तीन नए बच्चे हैं, और उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर लेके वो खेला और इतनी बड़ी जीत आई है और इनके गढ़ में आई है, दिस इज द डेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आफ्टर गाबा, पार्ट वाज देयर डेन, द स्ट्रॉन्गेस्ट डेन, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट विच इंडिया मैनेज टू नॉट ओनली डिस्ट्रॉय बट ऑल्सो रैटल ऑस्ट्रेलिया, इट्स मॉरल रैकलिंग विक्ट्री। ऑस्ट्रेलियंस भी जितनी भी थोड़ी बहुत वो रेजिस्टेंस शो कर रहे थे कल के बाद, ट्रेविस हेड को एक सेंचुरी के करीब पहुंच रहा था, उस सेंचुरी से करीब पहुंचने से पहले उसका सपना तोड़ दिया, फिर मिचेल मार्श 50 की तरफ बढ़ रहा था, 50 से पहले उसका काम तमाम कर दिया, तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी थी, बस वो यही थी कि वक्त का इंतजार था, वक्त गुजरता जाएगा, ऑस्ट्रेलियंस की विकेटें ऑटोमेटिकली करती जाएंगी, और इंडिया को सिर्फ ये देखना था जब वंस कल 500 सुपर का टोटल दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया कितने मार्जिन से हारेगा, दैट्स अबाउट इट। कितनी दफा देखा होगा आपने ऑस्ट्रेलिया को इतने हैवी तरीके से रिसीविंग एंड पे, चाहे बैटिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में, बॉलिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में, फील्डिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में, इट इज जस्ट अ वन साइड वन वे ट्रैफिक फॉर टीम इंडिया राइट। जाते जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फैंस का इंटरेस्ट खत्म हुआ इस टेस्ट मैच से, कि आज दिखने को कोई दूरबीन लेके भी कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं दिख रहा, कमेंटेटर्स का जो जोश और खरोश था पहले दिन, उनकी आवाज भी ठंडी हो चुकी है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहे हैं, कोई हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं की जा रही है, कोई पुराने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई उसकी रेफरेंसेस नहीं दे रहा, अब तो ये बात कमेंट्री में शुरू हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद रिजर्व बॉलर्स कौन से हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड का मुकाबला जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, डेब्यूटेंट हर्षद राणा से हुआ तो बहुत ही फीके नजर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए बेबसी की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया बनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वही वाली बात है ना कि लोगों ने इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जैसे रिकी पोंटिंग की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया, नहीं है ऑस्ट्रेलिया बदल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं, शमी होते थे, अच्छा ना ऑस्ट्रेलियंस उस तरह प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे, मिचेल स्टार्क आधी स्पेस आधी लाल बॉल लैटरल मूवमेंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये नेट प्रैक्टिसेस चल रही है, वो देख के एक ऐसा दबदबा कायम हो गया था, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में क्या करेगा, लेकिन वही वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जब सामने चूहा निकला तो चूहा भी शर्मा रहा है कि भाई साहब अब हमारे साथ क्या होगा, और जब हम एडिलेड में बढ़ेंगे, रोहित शर्मा ने नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी, अलबत्ता वो जैसे ही पहुंचे आज वो नेट्स में पाए गए और पिंक बॉल के साथ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो यहां मुसीबतों का जो अंबार है वो और मजीद बढ़ता जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे चल के क्या होगा, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा विन हो चुकी है ऑलरेडी इंडिया के लिए, बल्कि कल शाम में जब 12-3 हुआ था तो फैसला लिखा जा चुका था, लोगों की बड़ी उम्मीद थी, तो मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान में भी मैं देखता हूं ट्रेविस हेड परफॉर्म करने लगता है, ये सब इसको अपना नाजायज कसम क्यों बना रहे थे, मसिव विक्ट्री, और हेड से काफी परेशान थे, आपके हेड का क्या करना है, तो हेड को पकड़ लिया बुमराह ने, बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज, 8 विकेट इस मैच में हासिल कर ली है, तो जितना बड़ा चैलेंजिंग कोई ओकेजन होता है बुमराह भाईजन उतना ही स्पेशल निकल के आता है, सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट द कैप्टन बुमराह, ब्रिलियंट बुमराह, और जिस तरीके से आउट किया और फिर जो सेलिब्रेशन थी बुमराह के भी आउट करने के बाद, राइट फेस टू फेस ऑलमोस्ट राइट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हेड, द वे ही सेलिब्रेटेड, हाउ पम्प्ड अप ही वाज, और विराट कोहली का तो हमें पता ही है द वे ही एंजॉयज, तय तो था ही कि ये वाला जो मैच है अब ये खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई है, और ये अब इंडिया जो है वही अपना मैच उन्हीं के 250-300 के आसपास का बड़ा मार्जिन, मैसिव ये विक्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है, और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हराने, 300 के रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हराना, ये इतनी बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं 20-25 साल हो गए, 30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए, इंडिया दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टाइम एंड अगेन, और सेना कंट्री में जाके जीते, विराट कोहली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, 7 विक्ट्रीज है उसकी सेना कंट्री में जाके एज अ टेस्ट कैप्टन, जी बहुत ज्यादा डोमिनेशन जो दिखाई हुई है सब जो टीम इंडिया ने, क्या कमाल किस्म की जो बॉलिंग देखने को मिली है जसप्रीत बुमराह की तरफ से, फिर जो है वो सिराज ने भी जो है कमाल कर दिया, लेकिन स्मिथ को भी जिस तरह से जो है वो चलता किया सिराज ने, क्या जबरदस्त किस्म का जो है बॉल डाला, ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली, देखने में साउथ अगर आप ऑन द पेपर देखते तो शायद कोई भी कहता कि भारत ये मैच नहीं जीत सकेगा इस टेस्ट मैच से पहले, और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है ऑस्ट्रेलिया में, बम्बूजल्ड है, और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे, इंडिया कैसे गुजारेगी, इंडिया का तो 2.5 महीने ये डरावना ख्वाब होगा 5 टेस्ट मैचेस का, लेकिन एक दिन गुजरा, एक दिन भी नहीं गुजरा, सॉरी एक दिन भी नहीं गुजरा, इंडिया की टीम में क्या था, इंडिया की टीम के अंदर केएल राहुल की फॉर्म नहीं थी, जुरेल क्या करेंगे कोई पता नहीं था, देवदत्त पाटीदार क्या करेंगे किसी को पता नहीं था, रेड्डी क्या करेंगे किसी को पता नहीं था, और ये रियलिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग देख रहे हैं एचबी सूरज प्ले प्रिंस। अगर आप भी मेरी तरह भारत का पहला टेस्ट मैच 255 रन से जीतने की बहुत ज्यादा खुशी हुई है, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि फ्रेंड्स हम ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख लिया होगा भारत के शानदार जीत को लेकर,
तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बताते हैं पूरे मैच का डिटेल्स। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला गया। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण और यह साफ हो गया कि कौन सी टीम विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 238 रनों पर ही सिमट गई। इससे पहले फ्रेंड्स भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 150 रन बनाए थे, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 104 रनों पर ही सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 40 रनों की बढ़त मिली थी। दूसरी पारी में भारत ने 6 विकेट पर 487 रन बनाकर घोषित कर दिया था और बढ़त 533 रनों की हो गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीम इंडिया में ना तो रोहित है, ना ही शुभमन गिल है, ना ही रविंद्र जडेजा, ना ही अश्विन है, ना ही मोहम्मद शमी है, ये सारे स्टार प्लेयर्स नहीं थे इस मैच में। इसके बावजूद टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में सफलता प्राप्त की। 2021 में गाबा और ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने के बाद अब पर्थ में भी ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा। इस टेस्ट में इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ के ऑप्टस सिस्टम में 4 मैच खेले गए थे, 4 जीते थे, 5वें में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप मेरी मेहनत को सफल कर सकते हो सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाकर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।